बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है आलू और पालक की रेसिपी। तो ये आलू मैंने धो के काट के रख लिए हैं और ये मैंने पालक काट के धो लिया है। अब हम आलू पालक की सब्ज़ी बनाएंगे। उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें ये करना है कि हमने ये एक पैन ले लिया है और इसमें हमने डाला है ऑयल। और अब हम इसमें डालेंगे ये कटा हुआ लहसुन, और उसके बाद ये ज़ीरा रखा हुआ है इसमें ये हम डालेंगे। तो पहले हम डालेंगे इसमें कटा हुआ लहसुन, ठीक है। तो ये मैं कटा हुआ लहसुन इसमें डाल देती हूँ। ये कटा हुआ लहसुन मैंने डाल दिया है। ये लहसुन थोड़ा सा ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। अब हम इसमें डालेंगे जनाब ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दूसरे मसाले, और वो मसाले क्या हैं, मैं आप स्पाइसेस क्या हैं वो ये आपके सामने देखें इसमें क्या क्या है। इसमें है जनाब, ये है कुटा हुआ ज़ीरा, ये है कुटा हुआ धनिया, ये है चिली ड्राई चिली साबुत, और ये है कुटी हुई चिली, और ये है जनाब लहसुन कुटा हुआ, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, ये हल्दी है, और ये कुटा हुआ ज़ीरा भी आपको बताएगा। तो ये सारे मसाले जो हैं वो मैं डालूँगी, थोड़ा सा पानी मिला के इसमें, और फिर ये सारे मसाले जो है वो मैं डालूँगी इसमें, ठीक है। तो उसके बाद ये मसाले हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें डालूँगी आलू। तो अब ये जो मसाले रखे हैं ना, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के मैं इसमें डाल के भूनती हूँ। ये हमारे पास मसाला भुना है, अब हम इसमें ये मसाला तकरीबन भुन गया है तो इसमें हम डालेंगे आलू, जो कटे हुए रखे हैं ना आलू हमारे पास, वो हम डालेंगे। उसको अच्छी तरह हमने भून लिया है मसाले को, अब इसमें हम डालेंगे जनाब आलू। ये आलू जो हमने काट के रखे थे ना वो हम इसमें डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये आलू गल जाएँ। उसके बाद थोड़े आलू हल्के गल जाएंगे ना तो फिर हम डालेंगे इसमें पालक, जो हमने ये पालक काट के धो के रखा हुआ है ना, ये हम इसमें डाल देंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे पानी ताकि थोड़े से आलू गल जाए। ये हमने पानी डाल दिया, पानी डाल दिया हमने, और अब हम ये इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप डालिएगा हसबे ज़ायका, आप कम ज़्यादा जैसे भी पसंद करते हैं ना, नमक डाल दीजिएगा। तो मैं ये नमक इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ, फिर चख लूँगी मैं से और फिर देख लूँगी अपने हिसाब से, वरना आधा चम्मच जो है वो आप सॉल्ट का ले लें। ये हो गया, अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा चला देंगे नमक डालने के बाद। ये हमने चला दिया, अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये आलू जो है ना वो गल जाए। ये हमने इसको कवर कर दिया, ये आलू हमारे गल हैं। तो ये बस अब मैं तकरीबन ये गलने पर है, अब मैं इसमें डालूँगी ये जो पालक रखा है ना ये इसमें मैं डाल दूँ। ये आलू हमारे पास गल गए हैं, अब हम पालक डाल देंगे। और पालक ज़्यादा पकाते नहीं है क्योंकि उसके विटामिन ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा पानी डालते हैं। ये पालक जो है वह खुद पानी छोड़ेगा, और अगर ज़रूरत होगी तो डाल देंगे। 5-10 मिनट हम इसको पकाएंगे और बस ये रेडी है हमारे लिए। पालक आलू जो है इसकी रेसिपी तैयार है हमारे लिए, खाने के लिए, हमारे खाने के लिए। ये अभी पानी छोड़ेगा और ये थोड़ा बैठ जाएगा, तो इसको मैं ढक देती हूँ, कवर कर देती हूँ, और फिर मैं
ये तैयारी बस 5 मिनट में पकाऊंगी इस पर, फिर हम उसके अलावा क्या डालेंगे ज़रा ये थोड़ा सही हो जाए, यानी थोड़ा ये पालक जो है थोड़ा बैठ जाए ना, तो फिर मैं इसमें डालूंगी जनाब टमाटर हरी मिर्च, ये इसमें डालूंगी। तो अभी मैं पहले इसे पका लेती हूँ। ये जनाब आलू पालक जो है सब कुछ बन, पालक भी काफ़ी अच्छा तैयार हो गया है, बस इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर जो है वो मेरे पास रखे हुए कटे हुए, और हम टमाटर और ये हरी मिर्च डालेंगे। तो पहले हम क्या करें, चलिए साथ ही डाल देते हैं टमाटर और हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे आलू पालक में। ये हमने टमाटर डाल दिए हैं और बस थोड़ा सा पका के हमारे पास डिश जो है तैयार हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट जो है नमक जो है वो अपने हल्के जायका डालिएगा, तो मैं देखूँगी अगर मुझे फीका लगेगा तो थोड़ा सा और डाल दूँगी। बट अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं और बस ये हमारे पास रेडी हो जाएगी डिश जो है। और हरी मिर्च टमाटर डाल दिए हमने, और इसको हम पिशाउट करके आपको बताते हैं 5 मिनट के बाद। अब ये हम थोड़ी देर इसको कवर करते हैं। तो ये हमने डिश आउट कर लिया है आलू पालक की सब्ज़ी को। ये हमारे पास आलू और पालक जो है वो तैयार हो गया है, हमने इसको गार्निश भी किया है। और आप ये थोड़ा सा लेमन जो है इसका जूस भी इसमें डाल सकते हैं, इसका अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो हमने ये बहुत अच्छी एक डिश तैयार कर ली है आलू पालक की, जो हमने ये डिश जो है इसको डेकोरेट किया है। तो यकीनन ये आपको अच्छी लगेगी, आप ट्राई करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।